डिंडौरी प्रदेश संगठन के आह्वान पर पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई, जिसमें पेंशनर्स ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगे पूरी न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डिंडौरी में पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई। इस दौरान पेंशनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राम गोपाल तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार पेंशनर्स की उपेक्षा कर लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के पेंशनर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए और यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश के समस्त पेंशनर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हमारे पेंशनर एसोसिएशन प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के विगत लगभग 2 वर्षों से विभिन्न ज्ञापन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन साथ ही अभी इसके पूर्व हमने 7 दिसंबर को तहसील मुख्यालय में एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजन करके 9 सूत्री मांगों के लिए निराकरण के लिए निवेदन किया था। परम दुख की बात है कि शासन जो है अभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, अतः दूसरे चरण में आज हमने प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालय में, जिसमें डिंडौरी भी सम्मिलित है, आज हम यहाँ एकत्रित होकर के एक दिवसीय भूख हड़ताल करके अभी ज्ञापन सौंपा है 9 सूत्रीय मांगों के लिए और शासन से अपेक्षा की है कि शीघ्र इनका निराकरण करें, अन्यथा आगामी फरवरी माह में प्रदेश प्रांतीय निकाय पर जो है भूख हड़ताल व्यापक आंदोलन किया जाए। प्रमुख मांगों में है केंद्र के समान महंगाई राहत दी जाए, जैसे केंद्र के समान 38% जो केंद्र कर्मचारियों को दे रही है, हम लोगों को अभी 33% मिल रहा है, नियमित कर्मचारियों को भी 33% मिल रहा है, तो हमारी मांग है कि केंद्र के समान महंगाई राहत दी जाए। साथ ही हमारा पिछला 27 माह और 32 माह का एरियर्स रुका हुआ है, उसका भुगतान किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के समान हमें चिकित्सा सुविधा की प्रदान की जाए। साथ ही हम लोगों के मृत्यु मरणोपरांत एक्सग्रेसिया के रूप में 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए और सबसे बड़ी जो विकट स्थिति है मध्य प्रदेश के पेंशनरों की, वह धारा 49 की आड़ में दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ये खेल खेलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर वोट डालती रहती है, वो धारा 49 विलोपित की जाए, ये मांगे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।